जितना इलाज नहीं होगा इतना कोई की सही कति नहीं माननी है। दो दिन आप इकट्ठा हो जाओ, सारा इकट्ठा हो, एक लास्ट रहो, सारी खाप एक हो जाओ, सारी खाप एक होगी भाई, क्यों क्या चीज की जरूरत है उन्हें अपनी पूरी करके ना भाई, एक होगी ना ठाक मरा हो और वह लटका नहीं है सरकार माना, इधर कोई नहीं मानने चाहे भाई नहीं तो फिर आगे को सरकार आओगी वह संविधान में बैठी हम कि इसका समाधान नहीं रहा तो आगे वाली सरकार जरूर करेगी। दादरी जिले की जितने भी संगठन हैं सारी खापों की तरफ से उनको पुरजोर समर्थन है। उनके साथ जो ये अन्याय हो रहा है उस अन्याय में सारी खापे उनके साथ हैं, उनके साथ बिल्कुल ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक हम चेतावनी भी देना चाहते हैं सरकार को कि भाई जो ये कुश्ती महासंघ का जो अध्यक्ष है इसको भाई तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, तुरंत प्रभाव से इसको बर्खास्त किया जाए। और भाई सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी न्यायिक जांच करवाई जाए और इसका दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। और हमारा एक सरकार को मैसेज भी है कि भाई जो पूरा देश का नाम रोशन करते खिलाड़ी, अलग अलग खिलाड़ी हैं, अलग अलग उनके गेम्स हैं, तो उन गेमों में जैसे गोदारा साहब ने जो एक सुझाव दिया था कि भाई ये पॉलिटिकल जो आदमी इनके ऊपर कब्जा बढ़ाए बैठे हैं भाई, जिनको ए बी सी डी का भी ज्ञान नहीं है खेलों के बारे में, तो हमारी ये मांग है कि भाई इन खेलों में भी जो खेलों के प्रति अपनी भावना अच्छी रखते हैं, जो अच्छे बड़े बड़े प्लेयर हुए हैं उन्हीं के हिसाब से इन खेलों के अध्यक्ष उनको बनाया जाए ताकि उनको ये पता चले कि भाई नीचे से लेकर ऊपर तक के खिलाड़ी के क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो सबसे ये मांग हमारी तरफ से है पूरी दादरी जिले की तरफ से कि भाई इनमें बदलाव करना चाहिए, इन पॉलिटिकल आदमियों को इन जैसे हरेक गेम्स के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं इनसे बिल्कुल हटाया जाना चाहिए। रही बात वैसे भाई उनका जंत्र मंत्र पर प्रदर्शन में शामिल होने की, तो उसके विषय में अब सबसे डिस्कस करने के बाद, क्योंकि अब फिलहाल मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग के बाद हमारी बातचीत करेंगे, वहाँ जो हमारे पुनिया साहब हैं, हमारी बहन विनेश है, उन सब से बातचीत करने के बाद जो भी कूच का प्रोग्राम बनेगा वो प्रोग्राम आप सबको बता दिया जाएगा। और कूच होगा भाई दादरी संतरा देवी कॉलेज से, जैसे जो किसान आंदोलन में होया करता वो बात जो ही हमारे पास मैसेज आ जाएगा उनका, तुरंत प्रभाव से उस चीज़ को आप सबके सामने मैसेज के माध्यम से, फोन के माध्यम से सबको अवगत कराया जाएगा। और जंतर मंत्र पे पूरा दलबल के साथ दादरी जिले की सभी खापे, सारे सामाजिक किसान संगठन इन खिलाड़ियों के साथ इनका समर्थन करेंगे, और जो इनके साथ अन्याय हो रहा है उसको भाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आज के पूरे दादरी जिले की सभी खापों के पदाधिकारियों की, किसान संगठन के पदाधिकारियों, कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों की मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि कल जैसे जंतर मंत्र पे जो हमारे देश के सम्मानित जो खिलाड़ी एक प्रदर्शन करने के लिए मजबूर वहाँ बैठे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, उसी सिलसिले में मीटिंग बुलाई थी। और जो खिलाड़ियों के साथ जो अन्याय हुआ है पूरी दादरी जिले की सभी खापों ने उनका समर्थन किया है खिलाड़ियों का, और इस अन्याय में बिल्कुल उनको अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, उनके साथ पूरी की पूरी मदद की जाएगी। तो इस सिलसिले में आज की मीटिंग बुलाई थी। इसमें भाई सबसे सर्वसम्मति से बात करने के बाद एक तो जो कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उसको भाई तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर FIR लॉज करवाई जाए, और उसके बाद जैसे इसकी न्यायिक जांच को सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निष्पक्ष हो सके। और मेरा सब पूरे हरियाणा की सर्वखाप से अनुरोध है कि भाई दिल्ली के नज़दीक लगती जितनी भी खापे हैं, झज्जर है, बहादुरगढ़ है, रोहतक है, ये तुरंत वहाँ पहुँच के जंतर मंत्र पर हमारी इन सब खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएँ और इस दुख की घड़ी में उन सब खिलाड़ियों का साथ दें और उनका समर्थन करें। अभी देखो जैसे इस बारे में भी हमारी बात हुई है, जंतर मंत्र पे भी दादरी जिले की सभी खापे जाएंगी, लेकिन जैसे आज स्पोर्ट्स मंत्री के साथ उनकी मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में उनकी क्या बातें होती हैं उसके बाद आज शाम को हम उनसे संपर्क करेंगे। यदि उनकी कोई सहमति नहीं बनती है तो दादरी जिले की सारी खाप बिल्कुल जंतर मंत्र पे जाके पूरे दल बल के साथ हजारों की संख्या में हमारे खिलाड़ियों की पूरी मदद करेंगे, और ये जो उनके साथ अन्याय हो रहा है हम इनको बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो सरकार ने यदि ये मांगे नहीं मानी तो हम खिलाड़ियों के, पूरे हरियाणा के खिलाड़ियों के, पूरे हरियाणा की सभी खापों को साथ लेकर फिर आगे की कोई रणनीति पर चर्चा करेंगे।
उस पे सारी खापे क्या सुझाव देती हैं अपना, उसके बाद आगे की कार्रवाई सबसे रायशुमारी करने के बाद करेंगे।